कैसे हो आप? आज फिर हम क्लास टू में हिंदी के बारे में देखेंगे। हम लास्ट क्लास में आ स्वर से बने वाक्य देखे थे। आज के दिन हम आ स्वर से किसी तरह अक्षर बनते हैं और उसी तरह शब्द किसी तरह होते हैं, इसके बारे में हम थोड़ा सा जानकारी देखेंगे। देखिए आप, पहले हम आ की मात्रा किसी तरह आता है। आ की मात्रा आपको पहले क्लास में भी मैं दिखाया था, इसी तरह आपको अ के आगे एक गीट आता है ना, उसे हम आ की मात्रा कहते हैं। आज के दिन देखिए, आपको आज भी एक बार आपको आ की मात्रा इसी तरह दिखा रहा हूँ। पहले हम लास्ट क्लास में आ स्वर से बने वाक्य देखे थे, आज भी हम एक बार इस वाक्य को देखकर अक्षरों को देखेंगे। जैसे ऊपर आपको दिख रहे हैं कार, कार का चित्र आपको मालूम है, क प्लस आ की मात्रा इज इक्वल टू खा, का हुआ का कार। ना में आ की मात्रा, न में आ की मात्रा मिलकर ना हो गया है नाक। क में भी आ की मात्रा मिलकर का हुआ है का से खान, पान। इसी तरह इस सब वाक्य में आ की मात्रा मिलकर हुए हैं वाक्य। देखिए, राजा का मामा आया, राजा का मामा आया, इसमें सब वाक्य में भी आ की मात्रा है। जैसे राजा का मामा बाजा लाया, इसमें भी आ की मात्रा है। जैसे राजा, राजा में भी आ की मात्रा आता है, बाजा, नेक्स्ट बजा, राधा, गाना, गा, इसमें भी आ की मात्रा लगे हुए हैं। जैसे खाला चाता, आपके इस चित्र में आपको दिख रहा है चाता, काला चाता पड़े हुए हैं, काला चाता को इस राधा ने उठा रही है। राधा अब शाला जा, राधा क्या करना है, अब शाला जाना है। इस लास्ट क्लास में इस वाक्य को हम देखे थे। आज के दिन स्व अध्याय किसी तरह आप करना है। देखिए, मात्रा की अक्षरों किसी तरह बनते हैं। क में आ की मात्रा बनने के बाद का होता है, आपको आपकी टेक्स्ट बुक में इसी तरह एक इमेज में इसमें आप देख सकते हैं, खा खा घा घा। जैसे छा छा झा झा, इस सब अक्षरों में आ की मात्रा मिले हुए हैं अक्षर। जैसे लास्ट ख प्लस आ की मात्रा इज इक्वल टू खा, ख प्लस आ की मात्रा इज इक्वल टू का। इसी तरह आपको लास्ट क्लास में मैंने बता हुआ था। देखिए, मात्रा से बने शब्द शब्द किसी तरह बनते हैं। इस सब शब्द ने आ की मात्रा मिले हुए शब्द हैं। जैसे खाखा, खाका, खाका में आ की मात्रा मिला है, ख प्लस आ की मात्रा इज इक्वल टू खा, इसमें आ की मात्रा मिलकर सब शब्दों ने आ से बने हुए वह शब्द हैं। काका, मामा, चाचा, नाना, जैसे दादा, पापा, बाबा, भाला, शाला, राधा, थाला, छारा, खाला, ठाठा, जैसे थाता, नाला, घाला, माला, बाजा, ताला, इसी तरह इस की मात्रा मिले हुए हैं। जैसे देखिए, स्वाध्याय आप किसी तरह करना है, चित्र पहचान कर उनके क्या है नाम लिखना है, आइडेंटिफाई द पिक्चर एंड नेम देम, इसी चित्रों को देखकर आप उसके नाम लिखना है। बहुत ही इजी है। आपकी फर्स्ट इमेज दिख रहा है माला, माला आपको पता हो। नेक्स्ट खान, इस क्या कहते हैं खान। नेक्स्ट खार, आपको चित्र देखने के बाद मालूम होता है कार, थाला, इसमें आपको चित्र में मैंने नाम इसके नाम लिखा हूं। आप
आपके टेक्स्ट बुक में इसी तरह इसके नाम लिखिए, और इस सब शब्द ने आपको होमवर्क नोटबुक में एक बार लिख के पढ़ना है। देखिए नेक्स्ट क्लास में हम इसके पार्ट के क्वेश्चन और आंसर देखेंगे। आज के दिन इतना ही, बस आप इसी तरह इस शब्दों को एक बार लिखकर पढ़िए। नेक्स्ट क्लास में आ स्वर से बने वाक्य की क्वेश्चन और आंसर इस पर देखेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।